क्या हो गया यार तेरे साथ? चला गया निक्कर गीली हो गई यार, ये देख निक्कर पूरी गीली हो गई है, गीला हो गया यार ये। तो होटल स्टाफ की तरफ से ये देख लो यार, यहाँ पे ये डिजर्ट आई है अतिका के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है भाई। ये देखो यार, ये देख लो, ये देखो, ओए भाई बहुत ठंडा पानी। ये देखो यार, तुम्हारे लिए ना मैंने रूम की डेकोरेशन करवाई है और साथ में केक आया हुआ है एक स्पेशल इंसान की तरफ से। भाई बारिश स्टार्ट हो गई है, देख लो हमने स्कूटी लगाई है वहाँ पे, अभी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि बारिश हल्की हो तो हम जाएं हैं। ये है बैठने की जगह अंदर, और ये व्यू है, ये देखो यार। करो करो Hi guys, welcome back to our channel, एक नया दिन एक नया ब्लॉग। आज है भाई 25 सितंबर 2024, एक ब्लॉग एंड किया था दूसरा ही स्टार्ट कर दिया, नया दिन नया ब्लॉग, तो अब आदत ही है बोलने की तो बाय डिफॉल्ट वही निकलता है। 26 सितंबर जो कि अतिका का बर्थडे है बस स्टार्ट होने वाला है विदिन नेक्स्ट 1-1.5 घंटे में। अभी इस टाइम पे 10:15 बज रहे हैं और हम लोग हो चुके हैं रेडी। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से भाई, कौन सी जगह सिलेक्ट करी थी हमने? सूजा लोबो। सूजा लोबो हमारे होटल से वो अराउंड 2.5-3 किलोमीटर दूर है। स्कूटी पे जाएंगे यार, चाबी अभी ले लिए स्कूटी की मैंने, और नीचे चल के पहले खिंचवाते हैं एक बढ़िया सी फोटो जो कि मेरे को चाहिए इंस्टाग्राम के लिए हम दोनों की। बढ़िया सी फोटो खिंचवा के हम निकल रहे हैं, अब ये निकाल रहा है स्कूटी, पूरी स्कूटी गीली है तो मतलब बारिश हुई। मैं कैसे बैठूं? नहीं पड़ेगा, येलो स्कूटी। भाई बारिश स्टार्ट हो गई है, देख लो हमने स्कूटी लगाई है वहाँ पे, अभी उस तरफ जा रहे थे पीछे लेकिन बारिश बहुत तेज हो गई है देख लो, और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि बारिश हल्की हो तो हम जाएं हैं। हमारी टेबल बुक है और टेबल बुक है हमारी वहाँ पे, तो ये रहा भाई सूजो लोबो, ये देख लो सूजा लोबो, सॉरी कहीं के जगह सूजो भी लिखा हुआ है, सूजा लोबो है। और कहते हैं कि ये गोवा का वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट्स है, और ये है बिल्कुल वो, देख लो सामने यार, ये कैलनगुड बीच है इसके ऊपर है ये देखो बिल्कुल सामने। चलें यार भूख लग रही है, चलें यार, थोड़ी भूख लग मेरे को तो हल्की हल्की लग रही है, थोड़ी थोड़ी लग रही है, मैं थोड़ा थोड़ा मतलब चलो यार चलते हैं सूजा लोबा। सूजा लोबो, सूजा लोबो, सॉरी अरे नाम ही नहीं लिया जा रहा मेरे से तो। सर ऐसा कुछ व्यू है हमारे टेबल से, और टेबल हमने ले लिया, ऐसा भी व्यू है, ऐसा भी व्यू है। हाँ भाई एक घंटा रह गया बर्थडे में, फिर कितना एक घंटा रह गया ना आपको? तो यार यहाँ पे देख लो ये रिलैक्स जगह की, ये तो खाली है इस टाइम पे क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए ज्यादा लोग है नहीं, हमारे पीछे के टेबल एक दो भरे हुए हैं। ये देख लो यार बीच साइड बैठने का ना मजा ही कुछ और है, ये देखो मजा आ रहा है यहाँ पे। वेज हमारा ऑर्डर आ गया, अभी तो एक चीज आई है वो है गोवन रवा फिश, यहाँ की बहुत फेमस है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लो यार ये फ्राइड फिश होती है ना, बट बहुत टेस्टी होती है यार, ऐसे ही ना ये प्रॉन्स और कालामारी भी बना के देते हैं, बट आज इतना ना मन नहीं है खाने का, बहुत हैवी खाया हुआ, बहुत हैवी खाया हुआ है तो यही खाएंगे। तो वैसे हमारे पिज्जा भी आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, क्यों भाई? ये गोवन रवा फिश जो है ना मसाला बहुत स्ट्रॉन्ग है का, और लेकिन है बहुत स्वाद, मज़ा बड़ा आ रहा है खाने। A few moments later, जाओ यार तुम्हें इस फिश ने धुएं निकाल दिया आज मेरे, पर तुम छोड़ोगे नहीं खाना, अच्छी लग रही है, मैं खा गया पूरी एक पीस रह गया बस, पर छोड़ोगे नहीं? कहाँ छोड़ी मैंने यार, स्वाद इतनी है लेकिन धुएं निकाल दिए भाई, इसमें बहुत मिर्ची है इसमें। तो गाइस डिनर हो गया और बहुत ही बढ़िया डिनर था, तो बस अब हम निकलने लगे हैं अपने होटल के लिए, तो बस जा रहे हैं अपनी स्कूटी लेने जहाँ हमने पार्क की है, और जल्दी से निकलते हैं क्योंकि 12 बजने वाले थोड़ी देर में। तो बस यार हम लोग पहुँचने वाले हैं 2 मिनट में अपने होटल, और 12 भी बजने वाले हैं। अभी दोबारा बारिश हुई है, बारिश हुई है दोबारा, स्कूटी के लिए बहुत बारिश हो रही है यार, बट ठीक है, पर बहुत प्रेजेंट, इतना ठंडा वेदर है, कोई ह्यूमिडिटी नहीं है, कुछ नहीं है, मजा आ रहा है यार। तो यार तुम्हारे लिए ना मैंने रूम की डेकोरेशन करवाई है और साथ में केक आया हुआ है एक स्पेशल इंसान की तरफ से, तो एक्साइटेड मुझे दिखा दो जल्दी, चले तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं, आजा। रूम में एंट्री ले ली हमने, देख लो भाई, वाओ यार गाइस देख लो, ये देख लो यार कैसा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है यार, ये बर्थडे नाइट वाली जो फीलिंग होती है ना जब तुम मेरे लिए कुछ ऐसे स्पेशल करते हो, बहुत अच्छा लगता है। ये देख लो यार अच्छे लग रहे हैं ना बलून्स वगैरह, बहुत अच्छा कर रहा है यार। एक स्पेशल बंदे ने तुम्हारे लिए यहाँ पे केक भिजवाया हुआ है, ये केक है इधर, ये देख लो यार, ये देख ले यार, ओह माय गॉड, अरे ये तो हाई यार, गंज ने भिजवाया यार, स्मार्ट केक है यार बिल्कुल, ये देखे केक तो स्मार्ट ही है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, करो करो हैप्पी बर्थडे, थैंक यू।
गुड मॉर्निंग है यार सबको, 10:30 बज गए हैं सुबह के, मैं नीचे निकल रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, जगह भी आई रही है 2 मिनट। भाई सीन ये है कि अब तो इतना बारिश ऐसा लग रहा हुई है यहाँ पे, ठंड हो गई एकदम। हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने ना एसी बंद कर दिया था, और भाई बहुत ही प्लेजेंट मौसम है, देखो अभी भी हवा चल रही है ठंडी ठंडी एकदम, यहाँ पे फुल बारिश का मौसम बना हुआ। गुड मॉर्निंग गाइस, तो यार मैं उठ गई हूँ और मैं हुई हूँ रेडी। तो सुदीप नीचे गया है अभी क्योंकि कोई एक छोटा सा सरप्राइज आया मेरे लिए जो भैया भाभी और साइना ने भिजवाया है। फिर हम जाएंगे अब ब्रेकफास्ट के लिए और आपको आज का अपना दिन दिखाते हैं, अपना दिखाती हूँ बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं यार दिल्ली से भाभी और साइना। ये देखो यार अतिका के लिए क्या भिजवाई है, सुबह सुबह कॉफी, इसमें हो सकता है मेरी कॉफी भी हो, मैं फटाफट से ये लेके चले जाता हूँ बिकॉज ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है मेरे को। यार ब्रेकफास्ट के लिए आ गए नीचे और साथ में ये सरप्राइज है, मैंने ऊपर बताया था। ओपन करो, और यार यहाँ कुछ माहौल है ऐसा, देख लो पूरा भरा ही हुआ है ऑलमोस्ट, बिकॉज आखिरी का आधा घंटा रह गया तो हर कोई आएगा भागते भागते खाने, हम भी आए जैसे। भाई साइज देखो, वेंटी साइज भेज दिया उन्होंने ऑर्डर करके, ये वेंटी का क्या करेंगे अब, हैं पूरी पियेंगे पूरी, मैं तो पी लूंगी तुम भी पियोगे। भाई ये देख लो इतनी बड़ी कॉफी, हम तो इतनी लेते हैं आधी वाली, जो ग्रांडे साइज होता है ना हमारा वो होता है फिक्स जब भी हम स्टारबक्स जाते हैं। तो यार ये ब्रेकफास्ट एरिया है यहाँ पे, देख लो यहाँ से शुरू हो गया पूरा, और ये पूरा ऑल द वे वहाँ तक जाएगा, और ये कॉफ़ी आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या है यहाँ पे, यहाँ पे एग्स टू ऑर्डर हैं, यहाँ पे वेजीज रखी हुई हैं, दाल लग रही है ओट्स हैं, और ये देख लो यार राइस, ये रहा पोहा, ये यहाँ पे वड़ा चटनी, ये स्वीट काउंटर है यार इधर देखो, ये रहा यहाँ पे पैनकेक्स वगैरह हैं, और ये थोड़ा सैलड का काउंटर है, यहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा बढ़िया, योगर्ट्स हैं, और ये रहे फ्रूट्स, बाकी कॉफी वगैरह यहाँ पे मशीन लगी हुई है। यहाँ पे ना 2-3 लाइव काउंटर हैं, एक पाव भाजी और वॉफल्स के लिए अलग है, एक पराठे और एग्स के लिए अलग है, एक साउथ इंडियन के लिए अलग है, ऑर्डर करने लगे हैं जो जो खाना है। डोसे वाला बाहर है और ये वाला जो है ये एग्स वाला है। सर ये हमने लिया कोई पराठे, ये हमारे सैलड्स, हमस पीता, पाव भाजी, डोसा आ रहा है। तो होटल स्टाफ की तरफ से ये देख लो यार यहाँ पे ये डिजर्ट आई है अतिका के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये भी काटो, क्या बात है, मतलब है उठते ही केक, एक और काइंड ऑफ केक ही हो गया, क्यों गाइस। हम लोग ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं, इंजॉय कर रही हूँ मैं यहाँ बैठ के अपनी स्टारबक्स की कॉफी, आराम से चिल करूंगी। ये देखो ये क्या कर यार, ये थोड़ी सी एडिटिंग कर रहा है, अब आपको गोवा सीरीज भी तो दिखानी है ना गाइस, प्लस बर्थडे व्लॉग। भाई दोपहर के बज रहे हैं 3:15 इस टाइम पे, और हम लोग होटल से जस्ट निकले हैं बाहर, रूटी की तरफ जा रहा हूँ, और अभी का प्रोग्राम ये बनाया हुआ है कि लंच के लिए हम लोग जा रहे हैं कर्लीज बीच यार्ड, जो कि अंजुना बीच यहाँ से 10 किलोमीटर है। क्या हो गया भाई, कुछ गिराया गया मेरे ऊपर, ऐसा लगा है कुछ गिरा है। ये रही अपनी स्कूटी खड़ी है यहाँ पे, स्कूटी निकालता हूँ, अतिका आ रही है नीचे। ब्राइट सनशाइन है भाई गोवा में इस टाइम पे दोपहर को, कल तो बहुत बारिश हुई है, अभी देख के अच्छा लग रहा है कि अब एटलीस्ट घूमने फिरने के लिए क्लियर रहेगा सब। स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी, देखा मैं आई, मेरे का स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, अब हो गई है स्टार्ट फाइनली। नहीं नहीं वो साइड स्टैंड का कुछ इशू होगा तभी, चलो बैठो चले फिर, आओ तो वही बैठे, चलो 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 स्टार्ट करो भाई। यार मजा आ रहा है, और अभी हमारे होटल से आधा घंटा है, तो लीव भी दिखा रहा है 23 मिनट्स, बहुत मजा आ रहा है, धूप है बट हवा बहुत ठंडी है, ह्यूमिड नहीं है, स्वेटिंग नहीं हो रही, बहुत मजा आ रहा है चला के, और हम लोग पहुंच जाएंगे मैक्सिमम 15 मिनट में। गाइस ये देख लो यार, ये ना जंगलों में बना हुआ है कर्लीज, बस जा रहे हैं बट बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ कोई ऐसा नहीं है कि सेफ नहीं है, बस पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं कर्लीज, हमें हाफ एन आवर लगा है पहुंचने में, बहुत ही बढ़िया राइड थी, क्यों बहुत बढ़िया राइड थी, व्यू दिखाते हैं आपको, व्यू दिखा दे यार, दिखाती हूं यार नीचे जाने से पहले व्यू देखना बहुत जरूरी है। ये देखो, ये देखो गाइस, ऑसम व्यू। ये है बैठने की जगह अंदर, और ये व्यू है, ये देखो यार, और हमने यहाँ पे लिए टिप। तो और ऑर्डर आ गया हमारा, ये है फिश फ्राई, ये ड्रिंक्स है हमारी, और ये पीछे व्यू देख रहे हो एक बार, यहाँ पे बैठ के अब हम एंजॉय करने वाले हैं शाम तक। ये व्यू एक्चुअली, ये तो व्यू है ही, मैं इसको बोल रहा हूँ कि अभी हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे वो लोग खड़े हुए हैं सारे बीच के बाद, दिखा दे यार एक बार, यहाँ पे अब यहाँ पे जाने वाले हैं थोड़ी देर में, अभी यहाँ पे देख लो ड्रिंक्स और अपना खाना वगैरह इंजॉय करेंगे,
उसके बाद फिर जाएंगे वहाँ। तो यार अब वक्त आ चुका है नीचे जाने का, हाँ अभी चलें? हाँ चलो चलो, तक हमारा मेन कोर्स आता है, हम नीचे होके आते हैं। चलो भाई, आज गोवा में बारिश नहीं हुई है और धूप हो रखी है, और एक बार देख लो पीछे माहौल बना हुआ है बढ़िया एकदम बीच के ऊपर। अगर ऐसे ही कल भी रहना तो हम जाएंगे पूल। क्यों? कल तो पूल जाना है भाई, पूल के तो हमारा काम चलेगा। पीछे देख लो क्या जबरदस्त हुआ है, साफ सुथरा भी। देखो आगे आ गया पानी, ठंडा बहुत है यार ये तो। ठीक है ये क्या सीन है? अरे कहाँ जा रहा है, रोको उसको। तो मजा आता है भाई, मजे ले रहा है। देखो ये देखो मजे ले रहा है फुल। आ गया वापस, आ गया। व्हाट अ फील गाइस, ये देखो पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है भाई। ये देखो यार, ये देखो, ओए होए भाई बहुत ठंडा पानी। ये देखो आ गया, आ गया, ओए पर बहुत ठंडा पानी है। क्या हो गया यार तेरे साथ? चला गया यार, निक्कर गीली हो गई यार, ये देख निक्कर पूरी गीली हो गई है। गीला हो गया यार ये, यहाँ कपड़े गीले ना हो तो क्या फायदा। तो थोड़ा और आगे चला गया था इसलिए गीला हो गया। यार हम लोग वापस आए हैं, हमारा मेन कोर्स भी आ गया यहाँ पे। ये देख लो यार, ये कोई गोवन स्पेशल चिकन है, साथ में क्या बोलते हैं यार इसको, क्या बोलते हैं इसको, चिकन काफ्रे नाम। क्या है? चिकन काफ्रे। और उसका नाम क्या है? पोई। पोई, पोई और चिकन काफ्रियाल। ये देख लो भाई, करें स्टार्ट। चलो यार बैठे खाएं। तो गाइस हम लोग अब निकलने लगे हैं और मजा आ गया यार खाना खा के। खाना बहुत बढ़िया था, प्लस बीच साइड और ज्यादा फन था, बीच पे भी हुआ है। अब जाने हम अपने होटल, उसके बाद वहाँ जाके आपको बताएंगे अपने रात का प्लान। यार हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल वापस। स्कूटी पार्क कर दी है बाहर, 10 किलोमीटर का आने जाने का सफर था, 20 किलोमीटर स्कूटी भी चल गई है। ऊपर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे और आगे का प्रोग्राम आपको बताते हैं। Later that same evening. यार 10 बजने वाले हैं रात के और हम लोग निकलने लगे बर्गर फैक्ट्री के लिए, जो कि हमारे होटल से अराउंड 2-3 किलोमीटर दूर है। तुमने बताया था बर्गर फैक्ट्री कैसे लगा था? बहुत बढ़िया था, बर्गर बड़े जबरदस्त मिलते हैं, जगह भी अच्छी है, बाइक भी बढ़िया है, हार्डली मेरे ख्याल से 15 मिनट भी लगेंगे पहुंचने में, ज्यादा दूर है नहीं। यहाँ आ गया हूँ भाई, स्कूटी निकालनी, ये रही अपनी पीली स्कूटी। आगे भाई बारिश वारिश हुई, वैसे लग रहा हुई है ना हल्की सी। फिर हमने सोची थी हम बुलेट लेंगे, बुलेट ही नहीं मिल रही यहाँ, है ही नहीं ना बाइक, एक भी बाइक नहीं है, सारी स्कूटियां ही हैं, कार है। और कार लेने का आज तो मैंने देख लिया, आज मैंने उसको बोला अच्छा हमने नहीं, और तो फंसते भाई आज हम फंसते, क्योंकि बीच बीच में ट्रैफिक मिला और कार वाले फंस गए थे, हम निकल गए थे। चलो गाइस हम लोग ये पहुंच गए हैं बर्गर फैक्ट्री। ये देखो ये रही एंट्री, पानी होनी ज्यादा है, ये है बर्गर फैक्ट्री। यहाँ लगाओ यार, यहाँ लगाओ उतरो, बहुत ही बढ़िया। गाइस ये लुक एंड फील जगह की, देखो बहुत बढ़िया जगह है। और ये रहे हमारी लुक एंड फील भाई, बर्गर फैक्ट्री में फील ही अलग आ रही है एकदम। आके यहाँ पे बर्गर खाने का मन कर रहा था बहुत ज्यादा, पहले हमारा इनिशियली प्लान था यहाँ पे लंच करने का, हमने स्विच कर दिया, हम कर्लीज चले गए दिन में और यहाँ पे आए रात को। तो यार मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्डर आ गया हमारा। तो यार ये है मेरा चिकन बर्गर डबल चीज, और ये कौन सा है? दिस इज चिकन पार्मेसान चिकन बेकन एंड एवोकाडो। पता नहीं यार क्या है, पार्मेसान जो भी है, चिकन बेकन एंड एवोकाडो। मोई तो मंगाई है मैंने, और ये डाइट कोक है इसकी। गाइस हमने कर लिया अपना डिनर, बहुत ही बढ़िया बर्गर थे, मजा आ गया। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से, हार्डली आई थिंक 10-11 मिनट्स लगेंगे हमें पहुँचने में। चले मुड़ने दे, एक बार बारिश हुई है पता, दोबारा अभी आ रहे थे तब भी बारिश हुई है, पर बहुत ज्यादा नहीं हुई, बंद हो गई। तो गाइस हम लोग आ गए हैं वापस और हम लगे हैं सोने, बहुत नींद आ रही है, थक गए हैं सुबह से। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।